कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले शांत दिनों के अंदर के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। जी हाँ, दोस्तों को योग कहते हैं तो अचानक से आपकी दुकान पर आने वाले छात्रों के अंदर एक साथ चमत्कार होगा, जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल ही आप यश में रो देंगे। यह दोस्तों कुछ ऐसे ही बड़े घटनाएं आप शिविर में कार्य ग्रहों की चाल लेकर आने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपका परिवार तो खुशियों में भूमिका, लेकिन दोस्तों यह शो में आपका भी मन खुशी से गदगद हो जाएगा। जब दोस्तों तो वह ईश्वर के अद्वार्षिक कोई खाली हाथ नहीं गया, जो भी निकले शरण में आया है, भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है। हालांकि दोस्तों, भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते ही आपके भी पर्चा ईश्वर ने लिया है, तभी तो उसको पिछले समय में आपने बहुत सारे दुख झेले ही तो, यह दुख नहीं भगवान की परीक्षा थी जो कि अपने पास कर लिए हैं। और अब आने वाले शातिरों के अंदर ईश्वर का ही आशीर्वाद, ईश्वर का ही कृपा आपकी दुकान पर आपको हुए सभी सफलताएं दिलाने वाले हैं। वे सभी बड़ी कामयाबी दिलाने वाले हर दिन के हकदार हैं। कि वह कहते हैं कि ईश्वर के घर देर है, भगवान के घर देर है, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं, आने वाले शातिरों के अंदर आपको जीवन की व्यवस्था भी खुशखबरी मिलने वाली है, जिन्हें सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू तू आएंगे। प्रणाम दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रश्मि, आप मनुष्य प्रसन्न रहेंगे, परिवार खुश में गत रहेगा, परिवार फूले नहीं समाएंगे। जगह स्वर्ण छवि के बावजूद भी आपको बता दें कि स्टार बड़े ऐसे कार्य होंगे जिन्हें आपको करने से भरे होंगे। जब वह दोस्तों, अगर आप इन चार कारणों को यस्मिन नहीं करेगा, आने वाले शाहिद दिनों में तो दोस्तों होने वाले स्टाफ जन्मों तक भी ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा, शिव का आशीर्वाद मिलेगा कि सभी देवी देवताओं का आपको शुरुआत मिली। शिकायतों को तो दोपहर सिवा कौन से चार अधिकारी है। शांति कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। घर के माहौल में पाउडर में पड़ते इस चित्र में भगवान का आशीर्वाद के साथ आपको देखने को मिलेगा, तो वह अंतर देखिए का यह गोल गोल। सर्वप्रथम वह भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त एक बार अपने जो निकाल पर बहुत ही उदास और बहुत ही हटा सूचित किए थे, वह पूरे गांव पर सब लोगों से धोखे खाकर बिल्कुल ही अकेले पड़ चुके थे और उन्हें वापस दुनिया में कोई भी सिद्ध अच्छी नहीं लग रही थी। तब दोस्तों वह ईश्वर की शरण में जाकर वहां लगाते हैं कि हे ईश्वर, अब मेरी रक्षा करो कि हम इस दुनिया शेर थक चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर कहते हैं कि हे भक्त, उदास न हो। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, भले ही वह जीवन में अकेले रह सकते हैं, लेकिन तिलों का शांत भगवान जरूर देता है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यह बात सुनकर उनके भक्तों के अंदर एक प्रश्न ताकि किरण जागी और वह बहुत ज्यादा प्रश्न हो गया। तो दोस्तों, इस निरीक्षण कर यह बात पर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और उनके लिए कमेंट बॉक्स क्रिकेट जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आयोजक केशर बात करते हैं, आने वाली शांति दिनों के अंदर आप शिवजी की दुकान पर कौन उन्हें बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से किसी के साथ सर्वे खराब संबंधों में, ऐसे में सुधार आएगा करके सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका विशेष योगदान नहीं का। यह बात संन्यास मई आर्थिक स्थिति भी उचित बनी रहेगी। अवधि सिद्ध करने के लिए ऐसे समय होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। साथ इसमें सावधानियां अगर बात करें तो दोस्तों, संतान से संबंधित कुछ कार्यों में खर्च की अधिकता रहेगी। अपने भावुकता के स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कुछ लोग आपका यह समय गलत फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, पर्स में दोपहर बाद ग्रह स्थिति या आपके लिए कुछ विपरीत रहेगी तथा मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपके लिए शुरू होंगे तो यश में कुछ सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका जो योगदान होगा, स्वाद में आपको एक नई पहचान देगा। तो किसी पारिवारिक मुद्दे में आपके जो अस्थिति होगी, विशेष रूप से महत्व है कि यह शो में परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहा है, इसका उचित सुविधाओं करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इस उपाय दोस्तों, यह समय ध्यान रखें कि किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से धन की हानि होना संभव होगा। लंदन कर्तव्य में लापरवाही न बरते घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत है कि यह समय किसी भी यात्रा को करने से करने के लिए सिलूंगी उचित समय नहीं होंगे।
इन्हें तो यस्मिन यात्रा को स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको बाद सूर्य शो में आपके लिए सुनोगे। साफ का अधिकतर समय अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर तरीके से बनाने में वेतन भोगी विद्यार्थियों को भी शिक्षा के अनुरूप ही कोई नौकरी मिलने से चिंता दूर होंगी। धर्म कार्य तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आप भी ऐसे में रुचि रहेगी। इसको बाद सूर्य समय तक के अंदर जो भी कोई नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है, जिसकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन जैसा थोड़ा सा माहौल भी रहेगा, तो आपके अधिकार पूर्ण हुआ ने दूसरों को नाराज कर सकती है। अपने स्वभाव को सहज और नर्म बनाकर रखिए, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इस बार दोस्तों यह समय आपके लिए होंगे। यह दोस्तों परिवार के साथ घर की साज सज्जा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में अच्छा झुकाया। सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मन धन से भरा वातावरण बना रहेगा। दोस्तों या शो में आप परिवार तथा व्यवसायिक बीच बेहतरीन तालमेल बनाकर भी रखेंगे। वर्षा के बावजूद दिया समय सभी कार्य सही तरीके से बेस में पूरे होंगे, जिस दोस्तों आपका मन भी उसमें प्रसन्न रहेगा। इसको बांधो से दोस्तों, यह शो में अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। आप जो है इसे सुरेंद्र यात्री गलतफहमी के शिकार हुए समय को सकते हैं। किसी रिश्तेदार या फिर मित्र के भी कुछ कहा सुनी हो सकती है, फिर की वजह से दोस्तों मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना भी इसमें करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आपको सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपका मन भी मोटिवेटेड होते रहेंगे। इस बात को यश में आपके भविष्य को लेकर बात किया था, आपके कैरियर की। तो दोस्तों इसमें आपके डिक्रीज नोर्गे परिसर में धन संबंधी मामलों तथा योजनाओं को किसी कार्य रूप देने के लिए जो समय होंगे, उचित समय होंगे, परंतु दोस्तों व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों स्टाफ के बीच कोई रेस स्थित चल सकती है। यशराज की सफलता उच्च परिशुद्धता से प्रसन्न आप होते जाएंगे। इसको बाद से यह समय आपके चेहरे के जज होंगे। आपके व्यवसाय के लिए जो समय आओगे, तो कोई भी नया काम शुरू करना इसमें ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों यश में वह भी महत्वपूर्ण निर्णय गलत होने की वजह से आपको नुकसान हो सकती है। तो बेहतर होगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपना ध्यान दें। तो वह नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम यह समय करना पड़ सकता है। इसको काम तो आपके लिए जो देंगे या समय कार्यक्रम में आए कि संसाधनों में वृद्धि होगी, परंतु शादी खर्चे भी बढ़ेंगे। दोस्तों यह समय आपके लिए से हूं कि आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह है, आपको कोई रुका हुआ कार्य वश में संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ काम पर संबंधी योग भी बना, यह जिन्हें दोस्तों आपको तरक्की इसमें संभव है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके के जरिए उसमें हूं कि आपके व्यवसाय के लिए सुनोगे, तो समय समय पर अपने व्यवसाय में कि सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर यह ध्यान दें, किसी भी नई योजना पर काम शुरू करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बार दोस्तों व्यवसायिक दृष्टि से अभिग्रह यदि आपके पक्ष में नहीं है, दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों पर वश में अपने उच्च ग्रहों का संयोग बना रहेगा। इसके बाद उसने यश में और आपकी लव लाइफ को लेकर बात किया था, आपके पारिवारिक जीवन की। तो दोस्तों इसमें आपके पारिवारिक लाभ कि आप किला परिसर में होंगे, 20 घर में अनुशासित तथा व्यवस्थित व माहौल बना रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ तकरार भी उत्पन्न हो सकते हैं, तथा तो यश में आप अपने जो अधर्म पत्नी याद से जीवन साथी से बात करते समय अपने वाणी पर संयम रखें, या आपके नवरात्रि अष्टमी बेहतर रहेंगे। इसको बहुत सूर्य शो में आपके लव लाइफ प्लीज उसे मांगे, तो शॉप परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। परंतु ध्यान रखिए कि भारी समय आपके लिए आपके परिवार में सुख शांति में बाहर जा सकता है। दोस्तों किसी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार के समक्ष ये स्पष्ट करने ना दें, यह गौरतलब है कि एक बेहतर होंगे। इसको दोस्तों इसमें आपके लायक यह सुनोगे, तो आर्थिक परेशानियों को लेकर पति पत्नी के बीच थोड़ा सा फ्राई रहेगा, बेहतर होगा कि आप उसमें बैठकर समस्या का हल निकाल लें। यह आपके लाइटली बेहतर होंगे और आप इसे दोस्तों समस्या का हल बीच में निकाल पाएगी। विरुद्ध है दोस्तों, यह समय आपके लिए सुनूंगी, आपके लव लाइफ प्लीज उसे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि घर का माहौल देश में तथा पूर्ण खुशनुमा और व्यवस्थित बना रहेगा। युवक अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर और ईमानदार रहेंगे। इसको व्यक्ति अगर आपकी स्वास्थ्य अपनी हेल्थ को लेकर बात से, तो दोस्तों शादीपुर मानसिक थकान की वजह से तनाव और थोड़े से कमजोरी आपके ऊपर ही रह सकती है। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी समय को लगाएं तथा प्रकृति के निकट भी अपने समय को वेतन करें। दोस्तों
यह आपके स्वास्थ्य बेहतर होंगी।